नमस्कार साथियों, आज सुबह जोधपुर से चलकर रास्ते में प्रसिद्ध जैन टेंपल रनकपुर जैन टेंपल के दर्शन करते हुए घने जंगल से गुजरकर अब हम कुंभलगढ़ में अपने रिसोर्ट क्लब महिंद्रा कुंभलगढ़ पहुंच गए हैं। हमारे पहुंचने के तुरंत बाद बारिश शुरू हो गई, काफी थक गए हैं, सो रूम में ही डिनर इंजॉय कर रहे हैं। कल सुबह हम कुंभलगढ़ फोर्ट, जो कि एक अजय फोर्ट है, देखने जाएंगे। आखिर इसकी संरचना में ऐसा क्या है कि इसे कोई जीत नहीं पाया। आज मौसम साफ है, सो जल्द ही फोर्ट की तरफ चल पड़े हैं। 15वीं सदी में महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित फोर्ट हमारे रिजोर्ट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अरावली हिल्स में बने किले को बनाने में लगभग 15 वर्ष का समय लगा है। ये जंगल क्षेत्र है, इसी रास्ते से होते हुए हम कुंभलगढ़ फोर्ट तक पहुंचेंगे। यहाँ पर जंगल सफारी के बोर्ड भी नजर आ रहे हैं। फोर्ट के पार्किंग एरिया के पास जंगल सफारी के लिए जीप्स भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ से सफारी कितनी दूर है? देखिए, मैं यहाँ पे 2 सफारी, एक तो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो अक्टूबर से चालू होगी, सेकेंड है कुंभलगढ़ साइट सीन सफारी जिसमें पॉइंट प्लस ऑफ रोडिंग रहता है। इसमें अरावली हिल्स का माउंटेन व्यू है, मेवाड़ मारवाड़ बॉर्डर पॉइंट है, परशुराम जी की तपोभूमि है, बनास नदी का उद्गम स्थान है, वेरो का मठ, महादेव मंदिर है, ऑफ ट्रैक है जिसमें पूरा कच्चा ट्रैक रहता है। ये पूरा 30 किलोमीटर का है। चार्जेस कितने हैं इसमें? एक गाड़ी का 1250 रुपए चार्ज है। और कोई वन्य प्राणी भी मिलता है? वन्य प्राणी का मैडम ऐसा है, ओपन जंगल ओपन जानवर है, एनिमल का गारंटी नहीं है। ये आपके दोनों तरफ फॉरेस्ट एरिया ही है, ये फॉरेस्ट का वॉल है, इस तरफ भी फॉरेस्ट का वॉल है, ओपन जंगल ओपन जानवर। हनुमान पोल। हमारे साथ हमारे गाइड अर्जुन सिंह जी हैं, जो कि किले का विस्तार से हमें परिचय करवाएंगे। हम किले के उस टॉप तक जाएंगे। राजस्थान में 2 डायनेस्टी हैं, एक मेवाड़ और दूसरा है मारवाड़। मेवाड़ में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद आते हैं और हम इस समय मेवाड़ डायनेस्टी में हैं। कुंभलगढ़ फोर्ट की 36 किलोमीटर लंबी दीवार दुनिया में चाइना वॉल के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन चाइना वॉल की विड्थ 13 फीट की है और कुंभलगढ़ वॉल की विड्थ 21 फीट की है और इस सॉलिड वॉल पर 5 से 6 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। इस फोर्ट की एक खासियत ये है कि ये हमें दूर से कहीं भी विजिबल नहीं है, ये इनविजिबल फोर्ट है। केवल 400 मीटर की दूरी से ही ये फोर्ट आप देख सकते हैं। 13 पहाड़ियों के बीच इसे इस तरह से बनाया गया है कि ये एक हिडन फोर्ट है और इसकी दूसरी विशेषता ये है कि आप किसी भी गेट से दूसरे गेट को नहीं देख सकते। हाँ, गेट नंबर 6 क्रॉस किया है। भैरव पोल से बोला जाता है जी। भैरव एक साधु, एक ऋषि थे जिन्होंने इस फोर्ट के लिए सेल्फ सैक्रिफाइस किया, बलिदान दिया था। क्योंकि 1443 में जब इस फोर्ट का काम स्टार्ट होता है, दीवारें बना जब स्टार्ट हुई थी तो क्या होता था, दिन में दीवारें बनाई जाती थी और रात को दीवारें ऑटोमेटिकली गिर जाए। अच्छा जी। किसी देवी शक्ति के ओके। 15 से 20 दिन यही कंडीशन रही, दीवारें बनाते फिर वापस गिर जाती। यहाँ के जो फाउंडर थे माणा कुंभा जी, पीछे की पहाड़ियों में एक संत थे ऋषि जिनका नाम था भैरव जी, जो इनके गुरु, उनके पास जाते हैं, सारी प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने बताया कि किसी देवी शक्ति का प्रकोप है। अगर आप किला पूरा प्रॉपर तरीके से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी नर की बलि देनी पड़ेगी, मीन्स की ह्यूमन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और वो भी कोई अपनी स्वेच्छा पूर्वक कर सकता है तो किसी के साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते जी। इनमें से ऐसा कोई भी बंदा तैयार नहीं हुआ जो अपनी खुद की बलि देने के लिए तैयार होकर आ गया है। ऐसा ही करते हुए 2 महीने निकल जाते हैं, वही कंडीशन दीवारें बनाते हैं फिर वापस गिर जाते हैं। फिर जो ऋषि जो थे भैरव, वो माणा कुंभा के पास आते हैं, बोलते हैं ये काम मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक कंडीशन, मेरी एक शर्त है जी। शर्त यह है कि सूर्य उदय होने से पहले जिस जगह से मैं पहली बार चलना शुरू करता हूँ वहाँ पे किले का फर्स्ट गेट बनाया जाए, जिस जगह मैं सेकंड टाइम आगे रुकता हूँ मिस की मैं घोड़े के साथ आऊंगा, और जैसे ही मैं उस जगह पर रुकता हूँ उस जगह मेरी गर्दन काट देगी, मिस की मेरा सर जब गिरेगा उस जगह मेरे नाम का गेट बनाया जाएगा भैरव पोल। और जिस जगह मेरी बॉडी गिरती है, जो मेरा धड़ है, जहाँ तक घोड़ा मुझे वापस लेके जाएगा, और जिस जगह मेरी बॉडी फॉल डाउन हो जाएगी, प्राण मेरे खत्म हो जाएंगे, उस जगह मेरे नाम का मंदिर बनाया जाएगा। ओके। उसमें वो एग्री होते हैं, नीचे का जो फर्स्ट जो गेट है वहाँ से उन्होंने पहली बार चलना, तो वहाँ पे किले का फर्स्ट गेट बनाएगा, वहाँ से आपस घोड़े के साथ इस गेट तक आते थे, यहाँ पर उनकी गर्दन काट दी थी, आप उनका सर गिरा, यहाँ पे उनके नाम का गेट बनाया भैरव पोल जी। और यहाँ से आप इस घोड़ा ऊपर की तरफ गया तो लास्ट स्टॉप पॉइंट जो है बादल महल,
उसके अंदर जाके उनकी बॉडी गिरती है और वहीं पे उनके नाम का मंदिर बनाया गया जो आज भी मौजूद है। अच्छा जी, तो इसीलिए इस पोल का नाम है भैरव पोल। उसके बाद ये किला पूरा ऊपर तैयार हुआ। गेट से बोलते हैं लेमन गेट, उस टाइम यहाँ पे नींबू के जाड़ हुआ करता, उसका नाम है नींबू पोल। सामने में जो वॉल जो आप देख रहे हैं ये फोर्ट की इंटरनल वॉल है, अंदर की दीवार जी। वैसे तो किले के यहाँ तक पहुँचना दुश्मन के लिए असंभव था, फिर भी स्टेयर्स के नीचे ये एक टनल बनाई गई है कि अगर दुश्मन यहाँ पहुँच जाए तो सैनिक इसके भीतर से गेट नंबर 1 तक पहुँचकर उन पर पीछे से वार कर सकते थे। अब हम काफी ऊंचाई पर आ गए हैं। सामने दीवार की बैक साइड पर जो गोल डोम्स दिखाई दे रहे हैं उनकी वजह से दुश्मन दीवार की तरफ से भी ऊपर नहीं चढ़ सकता था। हाँ, अगर सीधी दीवार होती तो वो रस्सी की सहायता से आसानी से चढ़ सकते थे। 36 किलोमीटर की लंबी वॉल पर तकरीबन 700 डोम्स बनाए गए हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं 26 किलोमीटर की वॉल की दूसरी तरफ। वॉल स्टार्ट हो रही पीछे की तरफ से, यहाँ से राइट टर्न किया, देन माउंटेन के ऊपर चली गई, पागड़ा पोल। इस पोल पर युद्ध के लिए जाते राजा और उनके साथियों का तिलक किया जाता था। खुला रहता था तो ये एक तरह से अस्तबल था, घोड़ों का अस्तबल था और राजाओं के जो घोड़े थे वो इस प्लेस पे खड़े होते थे। पर जो है महाराणा कुंभा का प्राइवेट रेजिडेंस है और उधर वो जनाना महल है और ये जो चामुंडा देवी का मंदिर है और यहाँ पर जो प्रीस्ट थे ये यहाँ पर रहते थे, इनके भीतर ही जाते हैं। वैसे जहाँ भी चले जाओ वो पूरा एरी है, ऐसा नहीं लगता कि कुछ यहाँ पर हवा की कमी है। और ये पूरा अंदर देखिए, वो भी शायद कमरे ही होंगे उस वक्त के, काफी एरी है ये बना हुआ। ये जो प्रिस्ट जो होते थे, प्रिस्ट पुजारी होते थे, ये वाला इतने भी सारे प्रिस्ट होते, अंदर के सारे इतने भी रूम्स जो आप देख रहे हैं ये सारे ओपन रूम थे, आर्मरी सेक्शन। कभी भी युद्ध के लिए यहाँ से रवाना होते थे सबसे पहले हथियारों की पूजा की जाती। तो यहाँ पे एक मंदिर भी है पुराना जो भी बंद है, नव दुर्गा चामुंडा का टेम्पल है जो इनकी कुल देवी को इनको नमस्कार कर रहा है करके चामुंडा देवी का, नव दुर्गा चामुंडा। राणा कुंभा की हाइट 8 feet 3 inches थी, यहाँ पर सीढ़ियाँ भी उसी हिसाब से ऊंचाई वाली बनाई गई है। okay. तो ये किचन सेक्शन हुआ, सामने आप देखिए एग्जॉस्ट लगा हुआ है, हाँ चिमनियाँ हैं। हाँ, तो राजा के साथ पुरोहित ब्राह्मण भी हुआ करते थे, उनके लिए किचन अलग, इनके लिए नहीं। तो ये जो नीचे कमरे हैं यहाँ खाना बनता था, ये खाना बनता था, ऊपर एग्जॉस्ट है हवा निकलने के लिए बाहर। ओके, तो ये पूरे महल का जो खाना बनता था वो यहाँ बनता था, ये किचन था। ओके, और ये पेड़ उसी वक्त का होगा, 200 years old है, बेनिन ट्री। पेड़ 600 साल तक जीवित रह सकते हैं? जी। कहाँ पे होंगे? बोटैनिकल गार्डन कलकत्ता। ओके। कोलकाता। पेड़ की उम्र सबसे ज्यादा होती है। कितनी उम्र होती है? 1000 साल तक हो। बनियन ट्री जो कलकत्ता में लगा हुआ वो सबसे पुराना ट्री है वर्ल्ड में। टॉप पॉइंट पे आ गए हम लोग। ओके, फोर्ट का लास्ट सेक्शन है, ये इसे बोलते हैं बादल महल। बादल महल पॉइंट है, बादल महल एरिया है। बादल महल से इसलिए बोला जाता है जब भी बारिश होती है पूरा बादलों में कवर हो जाता है, दिखाई नहीं देता, जैसे आपको कुछ भी नहीं दिखता है, आज भी यही कंडीशन है। ओके, इसलिए इसका नाम है बादल महल। तो इसका ओरिजिनली बिल्ड तो किया था माणा कुंभा ने 1458 में जी, लेकिन इसका जो रेस्टोरेशन वर्क जो है रेनोवेटेड बाय महाराणा फतेह सिंह इन 1884। ओके, 1884 के अंदर पूरे फोर्ट का आउटर रेस्टोरेशन किया गया था, कुछ पार्ट इसमें नए भी बनाए। फर्स्ट पार्टी है जो सामने से बंद है जिसे बोलते हैं मर्दाना महल,
ये जो दरवाजा है राजाओं का जो ट्रेडिशनल सिटिंग और मीटिंग अरेंजमेंट दरबार हॉल जिसे बोलते हैं वो यही पे लगता था। सेकंड पार्ट जहाँ चल रहे हैं अभी उसे बोलते हैं जनाना महल लेडीज पार्ट, जो उस टाइम में सिर्फ लेडीज के लिए ही यूज हुआ करता, जेंट्स में अलाउड नहीं हुआ करता। एक छोटा सा गाँव है, यहाँ के ट्राइबल्स लोग है, आदिवासी लोग जिसे बोलते हैं भील। भील जिन्होंने माणा प्रताप की युद्ध में सबसे ज्यादा हेल्प की थी, उन्हीं भीलों की जनरेशन है। 400 से 500 आदिवासी भील ट्राइब्स आज भी यहीं पे रहते हैं। ये मकान जो आप देख रहे हैं सारे जंगल के अंदर बने, लेकिन जो सोर्स ऑफ इनकम जो है बाहर कहीं जाते नहीं है, इसी जंगल के अंदर रहते हैं। जंगल के आर्टिकल्स बना के बाहर की तरफ बेच के अपना जीवन चलाते हैं, उसी से इनका आजीविका का काम चलता है। तो यहाँ के दो तीन तरह के आर्टिकल्स हैं, आज भी उसी परंपरा पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बनाते हैं। उसके छोटी सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहला यहाँ पे बनता है जो व्हाइट रोज जो होता है, सफेद गुलाब जिसके अंदर खुशबू नहीं आती, जंगली गुलाब होता है बड़ा। अच्छा जी। उसके जो लीव जो होते हैं पत्ते, उनको पानी में गला के डीकम्पोज करके उसमें से एक फाइबर निकल आया था। उस फाइबर से एक साड़ी तैयार की जाती है, बोलते हैं रानी पद्मिनी का महारानी साड़ी, जो एक छोटे बच्चे की रिंग में से पूरी साड़ी निकल के बाहर आ जाती है। सेकंड जो बनता है कस्टर्ड एप्पल, जो सीताफल होता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा खेती होती है हमारे सीताफल की। तो सीताफल जब कच्चा होता है तो उसको पानी में गला के डिकम्पोज करके फाइबर निकालते हैं, फिर उससे एक साड़ी तैयार होते हैं कस्टर्ड एप्पल से। और थर्ड बनता है एक रजाई, आपने देखा भी होगा 100 ग्राम रजाई, मेवाड़ी भाषा में उसको बोलते हैं दोहर। दोहर होता है ओढ़ने का एक पतला सा रसाई, लेकिन यहाँ पे जो बनाते हैं इसको बोलते हैं आयुर्वेदिक मेडिकेटेड दोहर। जंगल की 32 जड़ी बूटियों को मिला के दो कपड़ों के बीच में एक हर्बल शीट डाल, कहाँ यहाँ स्पेशल कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ में जी। तो किसी को ज्वाइंट पेन, बैक पेन या फिर इंसुनिया का प्रॉब्लम है तो उसके लिए काफी उपयोगी रहती है। तो आज भी उसी पुरानी, तो वो रजाई ओढ़ने से क्या हो जाता है आज भी उसी परंपरा को जिंदा रखे, छोटे बच्चे से लेकर बड़े आज भी यही काम करते हैं। मैम उसका यूज क्या होता है मैं बताता हूँ, हमने भी किया है कभी कभी यूज। अगर आपको बैक पेन का प्रॉब्लम है तो उसके अंदर जो शीट जो होती है उसको बिछाने का, सोने उस चद्दर को आपको बिछा के सोने का है, तो आपको अंदर से वो उसकी जो शीट जो है आपकी बॉडी को ऑब्जर्व करती है। okay. और आपको घुटनों की या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसको ओढ़ के सोना है, इस तरह के बताते हैं लोग। यहाँ पर घोड़ा भैरव ऋषि का धड़ जब यहाँ पर लाता है तो धड़ यहीं गिर जाता है, सो ऋषि का संस्कार यहीं पर किया गया। ये उनकी समाधि है, उनके बलिदान से ही इस फोर्ट का निर्माण हुआ। इतिहास के मुताबिक महाराणा कुंभा से लेकर महाराज राज सिंह के समय तक मेवाड़ में हुए हमलों के दौरान राज परिवार इसी दुर्ग में रहता था, क्योंकि इसकी सुरक्षा को कोई भी दुश्मन भेद नहीं पाया। पृथ्वीराज चौहान महाराणा सांगा का बचपन भी इसी किले में बीता, और महाराणा उदय सिंह को भी पन्नाध्याय ने इसी किले में छिपाकर उनका पालन पोषण किया था। ये जो गुंबद वाला रूम दिखाई दे रहा है, इसी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, ये उनका बर्थ प्लेस है। इस किले पर 17 टाइम्स अटैक हुआ लेकिन कोई भी इसे जीत नहीं पाया, सो यूं ही इसे अजय दुर्ग नहीं कहा जाता। अंदर आप देख के आएंगे रानी का जो बेडरूम, जो एक्को रूम जो है वो वाला, सामने वाला एक लंबा सा ओम बोलेंगे उसे पता लगे कैसे एक्को होता है। साथ आगे ये रानी का ये रूम है वो वाला आगे बेड। अच्छा। एक्को रूम जो है ये एक्को रूम है, यहाँ रानी एक ताली मार के ऐसे ताली मारती थी और दासी को पता लग जाता था, वो फटाफट आ जाती थी। बेहद सूझबूझ से बनाए गए किले की संरचना को देखकर हम तो चकित हो गए। राजा अकबर ने भी इस किले को जीतने की कोशिश की थी परंतु वो भी असफल रहे। 600 वर्ष पुराना किला आज भी मजबूती के साथ खड़ा होकर इतिहास की गाथा हमें सुना रहा है। इसकी 36 किलोमीटर की विशाल चौड़ी दीवारें, अरावली पहाड़ियों के बीच घने जंगल में छुपा ये अजय किला सच में काबिले तारीफ है। राजा कुंभा की हाइट 8 फीट 3 इंच थी। इस नीलकंठ महादेव मंदिर में जब वो शिवलिंग का अभिषेक करते थे तो इस 5 फीट की ऊंचाई वाले शिवलिंग पर बैठे बैठे ही दूध चढ़ाया करते थे। टेंपल के सामने कुंभलगढ़ फोर्ट और इस तरफ फेमस वॉल है, चलिए इस पर चलते हैं। अब दीवार के ऊपर जाने के लिए ये रास्ता बना है, सीढ़ियाँ हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, तो इनसे ऊपर जाते हैं।
हम इस समय सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल पर चल रहे हैं वर्ल्ड की। और कैसा लग रहा है आपको? मज़ा आ गया अब यहाँ आके। और ये वॉल जो है ये अच्छी खासी वाइड है, कि बोलते हैं कि 6 घोड़े इसके ऊपर पैरेलल चल सकते हैं, जो अपने आप में एक अजूबा है। बिकॉज दिस इज़ दी ओनली फोर्ट जिसको कहते हैं कभी कोई जीत नहीं सका, जितने मुग़ल आए सब को हरा दिया गया। तो बेस्ट, दैट इज़ दी बेस्ट पार्ट। और राजा कुंबल ने ये एक मार्वल बनाया, उन्होंने और उनके वंशजों ने कमाल कर दिया। और आसपास जो एरिया है वो इतना ग्रीन है, वैली पूरी ग्रीन है। और यहाँ पर ये फोर्ट को हम आसानी से देख नहीं सकते, इनविजिबल फोर्ट कहते हैं इसको, इसको आसानी से देखा नहीं जा सकता। और बहुत पास आके ही फोर्ट नजर आता है, डिस्टेंस से ये फोर्ट का पता भी नहीं लगता कि यहाँ कोई फोर्ट है, इसलिए इसको इनविजिबल फोर्ट भी कहते हैं। और यहाँ पर वॉल पर खड़े होकर वो सामने हमें बड़ी आसानी से महादेव जी का मंदिर नजर आ रहा है, यहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर है और वो सामने फोर्ट है। इतनी ऊंचाई पर हम अभी होकर आए हैं, देखो कितनी ऊंचाई पर गए थे हम, वहाँ पर महाराणा प्रताप जी का यहाँ पर बर्थ प्लेस है। अच्छा ये लो, अब तुम टॉफी खाओगे, ये लो ये लो ले ली। अभी हम यहाँ पर कुंभलगढ़ फोर्ट में घूम ही रहे हैं, तो साथ में हम अपना ब्लॉग भी बना रहे हैं। तो हमें यहाँ पर हमारे एक और साथी मिले हैं, अपने चैनल का नाम बताइए जी। हमारे चैनल का नाम है हार्टफुल ट्रेवलर्स जी। और हार्टफुल ट्रेवलर्स का मतलब है कि जो दिल से ट्रेवलिंग करते हैं हम लोग, और दिल से ब्लॉग भी बनाते हैं जी। और हमारे दो लोग ट्रेवल करते हैं साथ में। और अभी यंग है, आप यंग है, है ना? नहीं, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम बिंदु अग्रहरी है। ओके, तो ओके विनोद जी, आप? हम लोग गाजियाबाद से हैं। वेरी गुड, बहुत दूर नहीं है, मैं नोएडा से हूँ। नोएडा से हैं, पड़ोसी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वीडियोस जो बनाते हैं वो आप लोगों के लिए बनाते हैं, कुछ अच्छे वीडियोस बनाते हैं ताकि आप उन जगहों पर जाएं। और आप जो है हमें सजेशंस भी दिए, आपने हमें कहा कि हम जो रोड्स को ट्रैवल करना है तो उसके जो वीडियोस हमारे ज़्यादा होने चाहिए। तो हमने इस बार पूरी कोशिश की है कि हम जोधपुर जाएं, जोधपुर से कुंभलगढ़ और कुंभलगढ़ से अलवर और अलवर से हम वापस दिल्ली आएं। तो जिस तरह से आपने हमारा बेंगलोर, दिल्ली टू बेंगलोर का वीडियो लाइक जो बड़ा पसंद किए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये भी जो इस बार की सीरीज़ है 10 डेज की वो पसंद आएगी। और हम यहाँ पर अपने साथियों को भी मिले हैं, तो देसी गुमक विश करते हैं। और आज राखी का त्योहार है, तो रक्षाबंधन सबके लिए शुभ हो, सुख और समृद्धि मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुंभलगढ़ फोर्ट के एकदम बाहर एडवेंचर पार्क है, यहाँ पर जिप लाइन, आर्चरी, रिवर क्रॉसिंग वगैरह एक्टिविटीज अवेलेबल है। गुजरात रेस्टोरेंट चलिए, हमने दाल बाटी चूरमा मंगाया, ये बाटी है थोड़ी फ्लैट है लेकिन बहुत अच्छी सिक्योरी लग रही है, दाल बहुत अच्छी लग रही है, ये कोई अचार टाइप चीज़ है, ये लहसुनी चटनी है और साथ में छाछ और इन्होंने प्याज सर्व किया है, खा के देखते हैं कैसे। वेरी टेस्टी, और दाल में लहसुन का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। और हाँ जी, भीम के बाद लगता हमने इतनी टेस्टी पहली बार खाई है। सिद्धपुर की तरफ गए थे तो भीम रेस्टोरेंट अभी तक हमारे यादों में घिरा हुआ है, क्योंकि वो बड़ी टेस्टी दाल बाटी थी। लेकिन अभी इस गुजराती रेस्टोरेंट में भी हमें उतनी ही टेस्टी दाल बाटी खाने को मिली है, बहुत टेस्टी, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। इस गुजराती रेस्टोरेंट पे तो हम जरूर रिकमेंड करते हैं आप। ये कुंभलगढ़ से एकदम बाहर निकलते ही रोड साइड जो ढाबे बने हैं, रेस्टोरेंट बने हैं, उसी में है, बिल्कुल पास है, तो इसको जरूर ट्राई करें। जिन्होंने दाल बाटी के साथ हमने चाय
छाछ कभी ट्राई नहीं की, लेकिन यहाँ पर दाल बाटी के साथ छाछ की गई है और स्पाइसी दाल बाटी है और साथ में छाछ, दोनों का जो पेट है वो बहुत ही बहुत अच्छा लगा। दाल बाटी खाया हमने आपके पास जी, और अभी तक जितना राजस्थान में खाया उसमें नंबर दो पे मैं जो भी नंबर दो पे आपका मेरे को दाल बाटी लगा, मेरे को उम्मीद नहीं थी, बहुत अच्छा लगा। और अगर आपका कोई कार्ड वार्ड हो तो दीजिए, हम लोग आपका एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे। हमने बाकी खाना तो नहीं खाया है, लेकिन दाल बाटी से हमें आइडिया लग गया है कि आपका बाकी खाना भी बड़ा टेस्टी होगा। बारिश शुरू होने वाली है सो जल्दी से रिजोर्ट पहुंचते हैं। कुंभलगढ़ फोर्ट के बाद अब हम कल हल्दीघाटी जाएंगे। हाँ, आप हमारी दिल्ली जोधपुर कुंभलगढ़ सीरीज के बाई रोड जर्नी, टूरिस्ट प्लेसेस, रनकपुर जैन टेम्पल के व्लॉग जो कि चैनल पर अपलोड हो चुके हैं देखना ना भूलें, क्योंकि तभी आप इस संपूर्ण यात्रा का अच्छे से विवरण पाएंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।